जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश और रूस में तबाही लाने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मोदी सरकार को गिराने का प्लान तैयार कर लिया है। इसे लेकर रूस की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। CIA ने भारत के अंदर खुफिया ऑपरेशन मोदी हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके लिए आंध्र प्रदेश को प्रमुख किला बनाया जा रहा है, जिसके मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से मोदी सरकार चल रही है। हाल ही में एक बहुत बड़े अमेरिकी व्यक्ति ने AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री K. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात का एक ही एजेंडा था कि मोदी सरकार को कैसे गिराया जाए। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने CIA को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर पूरा देश हैरान है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में PM मोदी पुतिन से मिलने युद्ध के बीच रूस पहुंच गए थे, जिसे देखकर अमेरिका भड़क गया था। क्योंकि जिस वक्त मोदी पुतिन से गले मिल रहे थे, उस वक्त अमेरिका में नाटो का समिट चल रहा था, और अब अमेरिका ने मोदी हटाओ खुफिया अभियान की शुरुआत कर दी है। लंबे समय से अमेरिका ने मोदी सरकार के खिलाफ ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के आरोप लगाते आए हैं, लेकिन अब तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने खुद भारत में आकर मोदी सरकार को गिराने की प्लानिंग तेज कर ली है। बताया जाता है कि मोदी पुतिन की फोन कॉल से अमेरिका हर बार परेशान हो जाता था। देखिए, अमेरिका जिस प्रकार अपने हिसाब से और हथियार से अलग अलग देशों का सत्ता परिवर्तन करता है, ये बात सबको अच्छे से पता है। दुनिया भर में तख्ता पलट करवाने में अमेरिका का एक लंबा इतिहास रहा है। माना जाता रहा है कि भारत में भी सरकार बनाने और सरकार गिराने में अमेरिका का बड़ा रोल होता है। भारत में चाहे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए अमेरिका का सामना करना ही पड़ता है। अमेरिका के पास मिलिट्री पावर, डॉलर मोनोपोली, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जैसे कई गंभीर हथियार मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी कमजोर देश की सरकार को कभी भी गिरा सकता है। अमेरिका के लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता, बल्कि अमेरिका दूसरे देशों में लोकतंत्र इसीलिए चाहता है ताकि वो अपने हिसाब से सरकार में बदलाव कर सके। इस बार PM मोदी अमेरिका के निशाने पर हैं। रूस की तरफ से रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि PM मोदी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं और जल्द ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उधर रूस पर हमला हो चुका है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, इस कारण अमेरिका का कॉन्फिडेंस काफी हाई है और वो किसी भी वक्त मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA मोदी सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ भाजपा के पास अमित शाह जैसे चाणक्य मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को अमेरिका का साथ मिलने लगा है, जो कई देशों में चाणक्यगिरी दिखा चुका है। रूस के इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार को गिराने के लिए CIA आंध्र प्रदेश के एक मशहूर चर्च और भारत की विपक्षी नेताओं और धार्मिक संगठनों के संपर्क में है। यानी कि मोदी सरकार को फतह करने के लिए आंध्र प्रदेश को किला बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, क्योंकि CIA आंध्र प्रदेश के बैप्टिस्ट चर्च का सहारा लेकर चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार का समर्थन वापस लेने के लिए प्रेरित कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर नायडू समर्थन वापस नहीं लेते, तो CIA विपक्ष के लिए दूसरे तरीके से अनुकूल परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सके। अमेरिका के कुछ राजनयिक और राजदूत भी इस साजिश में शामिल हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन ने हाल ही में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री K. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। रूसी मीडिया स्पुतनिक का कहना है कि इन मुलाकातों के जरिए CIA विपक्षी नेताओं को मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट कर रही है और इसमें चंद्रबाबू नायडू को भी लाने की तैयारी चल रही है। स्पुतनिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि CIA का मकसद मोदी सरकार के खिलाफ जनता के बीच अविश्वास पैदा करना है। आगे जानेंगे कि अमेरिका किस प्रकार मोदी सरकार के खिलाफ जमीन तैयार कर रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। अब दोस्तों, इतना साफ हो चुका है कि अमेरिका ने मोदी सरकार के खिलाफ युद्ध की तैयारी तेज कर दी है।
इसके लिए विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उद्योगपतियों और कलाकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, लेकिन मोदी के इस कदम से अमेरिका संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। ये दावा किया गया है कि अमेरिका के कुछ राजनयिक जो भारत में तैनात हैं, इस साजिश को अंजाम देने में मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया गया है जो इस साजिश की पुष्टि करती हैं। उदाहरण के लिए, जुलाई 2024 में अमेरिकी दूतावास ने भारत में इन्फ्लुएंस टू इम्पैक्ट नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में अभिषेक बैनर्जी को आमंत्रित किया गया था, जो कांग्रेस के प्रचारकों को समर्थन देते हैं और YouTube के जरिए आधे अधूरे सच को फैलाकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास ने एक RJ सयामा को भी सम्मानित किया था, जो हिंदी त्योहारों, रीति रिवाजों और देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं। स्पुतनिक का कहना है कि सभी घटनाएं इस साजिश का हिस्सा हैं, जिसका मकसद भारत की जनता को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काना है, क्योंकि जब भारत की जनता एक बार मोदी के खिलाफ भड़क गई तो फिर मोदी को शेख हसीना की तरह सत्ता छोड़ देना होगा। हालांकि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो नहीं पाएगा, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक संरचना काफी मजबूत है। रूस की स्पुतनिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये घटनाएं चिंता का विषय हैं और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि CIA मोदी सरकार को गिराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसके लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले भी रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाए थे कि वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है। रूस ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका ने पहले भी कई बार बांग्लादेश सरकार को गिराने की कोशिश की थी। अब वही आरोप मोदी सरकार के खिलाफ लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले से साफ है कि स्पुतनिक की रिपोर्ट ने भारत में हंगामा मचा दिया है। रिपोर्ट में किए गए दावों की सत्यता की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खेल खेले जा रहे हैं, जिनका मकसद भारत की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करना हो सकता है। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस पर क्या कदम उठाती हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।